Uber, टेस्ला ए आर बी एन बी स्पेस एक्स ये सारे के सारे जो वर्ल्ड के पॉपुलर कंपनी है जब अपना अर्ली स्टेजेस में थे तो इनको पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पैसा यानी कि कैपिटल मिलता था ताकि ये अपना बिजनेस को ऑपरेट कर सके वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो इन बिजनेस को कैपिटल यानी कि पैसा प्रोवाइड करते थे उनको बोला जाता था एंजल इन्वेस्टर सो गाइट्स लेट्स नो हु आर दिस एंजल इन्वेस्टर इन ए ब्रॉड वे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हेलो गाइज आई एमराज एंड यू आर वॉचिंग द मनी ट्राइव सो गाइज इन सिंपल वर्ड्स एंड एंजल इन्वेस्टर इज ए हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द न्यू स्टार्टअप्स इन द एक्सचेंज फॉर द ओनरशिप इक्विटी ऑफ दैट कंपनी सो गाइज एक एंजल इन्वेस्टर का मेन पर्पज यह होता है कि कोई भी ऑन्टरप्रिन या फिर कोई भी न्यू बॉन्ड स्टार्टअप्स जिसके पास इनअप पैसा नहीं है अपना बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना उस कंपनी का ओनरशिप इक्विटी के बदले में फॉर इंस्टेंस आप एक एग्जाम्पल के जरिए ले लीजिए अगर एक कंपनी के पास इनअप पैसा नहीं है अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उस कंपनी में कोई भी एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा को या फिर अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करता है तो वो जो कंपनी होगा उसका टोटल ओनरशिप में कुछ पार्ट का हक उस एंजल इन्वेस्टर के पास

में सो so, पहला होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसमें एक एंजल इन्वेस्टर एक बिजनेस में एक ही बार इन्वेस्ट करता है और बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है और दूसरा टाइप है ऑन गोइंग रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर अंदर एक एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा को छोटा छोटा अमाउंट करके इंजेक्ट करता रहता है जैसे कि आप बोल सकते हैं मंथली भी हो सकता है क्वार्टरली भी हो सकता है भी हो सकता है वीकली भी हो सकता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के अंदर अंदर वो एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा को इंजेक्ट करता रहेगा तो ये था टाइप्स ऑफ फ़ंड फ्लो मतलब कौन सा कौन सा तरीके में फंड को फ्लो किया जाता है एक एंजल इन्वेस्टर के ज़रिए

उसमें एक एंजल इन्वेस्टर एक ट्रस्ट हो सकता है या फिर एक ग्रुप हो सकता है या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर बिजनेस भी हो सकता है तो यह था एक एंजल इन्वेस्टर का मतलब फॉर्म फॉर्म कौन कौन सा कौन सा में देखा जाता है एंजल इन्वेस्टर को तो एक एंजल इन्वेस्टर का बहुत सारे नाम्स, मतलब नेम्स अवेलेबल है नेम्स लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर हो गया सीड इन्वेस्टर हो गया इनफॉर्मल इन्वेस्टर हो गया यह सब नामों से भी जाना जाता है एक एंजल इन्वेस्टर को तो ज्यादातर तो एंजल इन्वेस्टर अपना एंजल इन्वेस्टिंग का तरीका यूज करते हैं ताकि वो अपना एक जो नया नया स्टार्टअप्स है उनको पैसा दे सके और वो कभी कभी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं एक कंपनी में जो कि स्ट्रगल कर रहा है पैसा पाने के लिए तो गाइज आपको अगर ये पता नहीं है कि एक्चुअली क्राउड फंडिंग होता है क्या है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप उसको भी चेक कर सकते हैं तो ये था गाइज एक एंजल इन्वेस्टर का छोटा सा वीडियो छोटा सा ओवरव्यू आपको समझने के लिए कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कैसे काम करता है और आप बोल सकते हैं पर्पस क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर का तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये मुझे अपना कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं मुझे लाइक like, ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं लाइक ट्विटर इंस्टाग्राम हो गया सो गाइस दिस इज द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट फॉर द अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज थैंक यू